जीवन में सदा हैप्पी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर ने प्रसन्न रहने का अवसर दिया है, मुस्कुरा लो। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी के घर में आ गए मेहमान, और मेहमान ऐसे आए कि जाने का नाम ही ना लें। अच्छा, कई बार मेहमान ऐसे आ जाते हैं, जाती नहीं। पति पत्नी बड़े परेशान हो गए, मेहमान आए हैं, अब पत्नी वो खाए भी बहुत। अब पत्नी बना बना के पति से बोली, क्यों जी ये मेहमान कब जा रहे? तो पूछा उसके पति ने, क्यों? अच्छा, कब जा रहे हैं आप? अभी हम रुकेंगे। मेहमान बोले, रुकेंगे? पत्नी बोली, हे भगवान, ये जब तक रुकेगा तब तक हम रुक पाएंगे कि नहीं? नहीं, हम ना निकल जाएं। अब कैसे भगाएं मेहमान को? तो पत्नी बोली, अब कैसे भगाएं, हमसे तो देखो बनाया नहीं जाएगा इसके लिए। पति ने कहा, अच्छा एक काम करो, उसको भगाने का एक उपाय है। क्या? बोले, एक काम करो, हम तुम लड़ जाते हैं। पत्नी ने कहा, हमने आपसे कभी लड़ाई की नहीं। अरे पगली, झूठी लड़ाई, झूठ मूठ का। एक काम करो, आज भोजन ना बनाओ, झूठ मूठ का लड़ते। अच्छा ठीक है। अब पत्नी और पति में अंदर झूठ मूठ की लड़ाई चालू हो गई। सुनो जी, आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। पति बोला, मत बनाओ, हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे नहीं। हाँ, और ताली वाली ऐसे बजाने लगा ताकि लगे कि गाल में थप्पड़ पड़ रहे हैं। खूब लड़ाई हुई, उसने इनको कहा, इसने उनको कहा, पति पत्नी की खूब तू तू मैं हुई। मेहमान को लगा, हे भगवान, आज तो कुछ बनेगा नहीं, इनकी लड़ाई हो गई, अब हम रहें तो रहें कैसे, खाने को तो मिलेगा नहीं। मेहमान बोले, चले। तो मेहमान ने बाहर से कहा, अच्छा भैया आप लोग लड़ो, हम जा रहे हैं, राम राम। मेहमान बाहर के बाहर निकल गए। और जब मेहमान चले गए तो पति बोला पत्नी से, अब काहे को रोती हो, हम तो झूठ मूठ का कह रहे थे। तो पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ हम भी तो झूठ मूठ का रो रहे हैं, कोई सच्ची थोड़ी रो रहे हैं। तब तक मेहमान आ गए, हम भी तो झूठ मूठ के गए थे, सच्ची थोड़ी गए थे। मेहमान फिर आ गए। तो ऐसे कई बार काम नहीं बनता। जीवन में प्रसन्न रहा करो, लड़ो झगड़ो कुछ भी हो पर जीवन में प्रसन्नता हो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है मैया। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। या तो टेस्ट कर लो वरना वेस्ट तो होनी ही है। उसी तरह ये जिंदगानी है, चाहे तो जिंदगानी का हंस कर मुस्कुरा कर टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है ये जिंदगानी। मरना तो है ही, मरने के पहले मुस्कुरा लो, हंस लो, खूब खुशियों के गीत गा लो, झूम लो, नाच लो, खुशियां दे दो, खुशियां ले लो, खूब हंसा करो, मुस्कुराया करो। लड़ने झगड़ने के लिए तो सारी बंदर भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुत्ता भी लड़ते हैं। लड़ने झगड़ने के लिए तो वह योनियां हैं। बंदर हंसता है क्या? नहीं। आप लोग हंसते हैं कि नहीं? 84 लाख योनियों में ईश्वर ने आपको हंसने का मौका दिया, इसलिए सास डांटा करे तो सास डांटती रहे और आप फिर भी हंसती रहो। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ही होती है रोते ही रहते। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, रोना चालू, रोती रहते हैं कुछ लोग। कई लोग रोते, कितना भी धन मिल जाए फिर भी रोते। एक आदमी को 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, लोगों ने पूछा, साहब प्रसन्न हो? उसने कहा, काहे के प्रसन्न, हमारे पड़ोसी को तो 4 लाख का फायदा हो गया।
वो इसलिए दुखी था कि हमें तो धोखा हुआ, उसको 4 लाख का। तो कई लोग प्रसन्न रहते ही नहीं, लेकिन आपको आदत बनानी है कि आपको सदा प्रसन्न रहना, खुश रहना, जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये जिंदगी आज मिली है, कल मिल जाएगी, इसकी गारंटी तो नहीं। इसलिए 84 लाख योनियों में विधाता ने आपको मौका दिया है हंसने का। हमेशा रोते रोना है तो भगवान के लिए रोया करो, अकेले में रोया करो, ऐसी जगह रोया करो जहां तुम्हारे आंसुओं को देखने वाला कोई ना हो, एक तुम हो और एक तुम्हारे सामने भगवान हो बस। या मैं जानूं मेरे मन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, तीसरा कोई ना जाने, तीसरे को जनाना ही नहीं है। संसार के सामने सदा हंसा करो, प्रसन्न रहा करो, हदा सदा खुश। जीवन में कितना भी संघर्ष हो, जीवन में कितनी भी विपत्ति हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी संकट हो, लेकिन उस हाल में ये विश्वास से मुस्कुराया करो कि जमाना साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, मेरे श्री कृष्ण मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके बल पर मुस्कुराया करो, उनके बल पर मुस्कुराया करो।